जरा सोचो, एक बाप अपनी बेटी को मरने से बचाने के लिए टाइम लूप में फंस जाए। वो एक ही दिन को बार बार जी कर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है। और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक प्लेन से, जिसमें किम नाम का एक डॉक्टर कोरिया वापस जा रहा था। फिर एक एयर होस्टेस ने उसका ऑटोग्राफ मांगा, क्योंकि वो काफी मशहूर था। किम के साथ ही योंग सुन ने उसकी तस्वीर भी खींची। बाद में किम ने देखा कि उसकी बेटी यून जुंग ने उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया था। उस वक्त यून जुंग अपने दोस्त के साथ थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता इतने मशहूर हैं। वो कभी यून जुंग से मिलने नहीं आते थे और इस बात पर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते। इस बात से वो अक्सर काफी दुखी हो जाती। उधर किम ने VIP गेट से जाने से मना कर दिया, इसलिए योंग सुन काफी चिढ़ गया। तभी रास्ते में उन्हें एक औरत दिखी जिसके बच्चे के गले में टॉफी अटक गई थी। किम ने बिना समय गवाए तुरंत उस बच्चे की मदद की और फिर तस्वीर खिंचवाए बिना ही निकल गया। उसने अपनी बेटी को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर गेट से बाहर निकलते ही उसने देखा कि योंग सुन ने उसे बिना बताए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी थी। खैर, उसने रिपोर्टर्स को UN के साथ चल रहे काम के बारे में बताया और यही खबर जब TV पर आई तो यून जुंग और उसके दोस्तों को यकीन हो गया कि उसके पिता सच में मशहूर हैं। किम ने कहा कि यून जुंग 3 साल पहले काफी बीमार पड़ गई थी और वहीं से उसे लोगों की मदद करने की प्रेरणा मिली। यून जुंग भी यह सुनकर काफी खुश थी, लेकिन तभी योंग सुन ने कह दिया कि यून जुंग आजकल काफी जिद्दी हो गई है। इससे वो अपने दोस्तों के सामने फिर से शर्मिंदा हो गई। आखिरकार उसने किम से कहा कि किम को उसके बर्थडे के लिए घर आना ही होगा। किम ने किसी तरह उसे तोहफों का लालच देकर मना लिया। फिर वो तुरंत गाड़ी में अपनी बेटी से मिलने निकल पड़ा, लेकिन टोल पर लड़की ने छुट्टे पैसे गिरा दिए और वो थोड़ा लेट हो गया। जैसे ही वो यून जुंग के पास पहुंचने वाला था, उसने देखा कि रास्ते में भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। वो मदद करने वहां गया और उसने टैक्सी ड्राइवर को बाहर निकाला, लेकिन पीछे बैठी औरत की तो मौत हो चुकी थी। जब डॉक्टर्स पहुंचे तो उसने अपनी बेटी को फोन करके कहा कि वो थोड़ा देर से आएगा, लेकिन सामने से एक आदमी ने बताया कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। तब जाकर किम को एहसास हुआ कि इस टैक्सी की टक्कर उसकी बेटी से ही हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ करता, किम ने अचानक पलक झपकाई और वो वापस प्लेन में पहुंच गया। वही एयर होस्टेस उसका ऑटोग्राफ मांग रही थी और फिर एक एक करके सारी चीजें फिर से होने लगी। किम को पहले ही पता था कि बच्चे के गले में टॉफी अटकने वाली है और ये भी कि बाहर प्रेस उसका इंतजार कर रही है। इस बार वो इतना बौखला गया कि इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर भाग गया। उसने यून जुंग को कहा भी कि वो खुद उसे लेने आएगा, वो बाहर ना निकले, लेकिन वो नहीं मानी। किम ने गाड़ी चलाते हुए उसे फोन किया, लेकिन जब उसकी बेटी ने जवाब नहीं दिया तो इस बार वो छुट्टे लेने के लिए भी नहीं रुका। लेकिन जब तक वो एक्सीडेंट की जगह पहुंचा, तब तक यून जुंग मर चुकी थी। जैसे ही वो अपने घुटनों पर गिरा, उसका दिन एक बार फिर से शुरू हो गया। इस बार वो बिना समय गवाए भागा और रास्ते में बच्चे की टॉफी भी छीन ली। VIP गेट से होते हुए वो अपनी गाड़ी तक पहुंचा और यून जुंग से कहा कि वो आज नहीं मिल सकते, लेकिन उसकी बेटी नाराज होकर कहने लगी कि वो उससे नफरत करती है। वो कहने लगी कि वो चाहे आए या ना आए, लेकिन वो उसका वहाँ इंतजार जरूर करेगी। किम ने काफी तेज गाड़ी भगाई और बिना टोल दिए ही भाग निकला, लेकिन इस बार वो गलत रास्ते में फंस गया और जब तक वो पहुंचा तब तक एक्सीडेंट हो चुका था। एक बार फिर दिन शुरू हुआ और इस बार किम ने पागलों की तरह गाड़ी भगाई, लेकिन एक जगह उसकी टक्कर हो गई और उसे पैदल जाना पड़ा, जिस वजह से वो एक बार फिर से लेट हो गया। उसकी बेटी तो कुछ सुनती नहीं थी, इसलिए उसने ड्राइवर का नंबर ले लिया और जब फिर से दिन शुरू हुआ तो उसने ड्राइवर को एक्सीडेंट के बारे में बताया, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बार किम जबरदस्त स्पीड में कच्चे रास्ते से होते हुए एक्सीडेंट से कुछ मिनटों पहले ही पहुंच गया, लेकिन उसी वक्त उसकी आंखों के सामने ही उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। किम रो ही रहा था कि एक आदमी आकर अचानक उस पर चिल्लाने लगा। ये मिंचुल था जो डॉक्टर्स के साथ घायलों को ले जाने आया था। असल में जो औरत गाड़ी में मरी थी वो मिंचुल की पत्नी थी। किम की ही तरह उसका दिन भी बार बार फिर से शुरू हो रहा था। उसने अपनी पत्नी को फोन करके सावधान करने की कोशिश की, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो पहले ही उसके दोस्तों से पूछताछ करके उसे ढूंढने लगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो है कहाँ। इस दौरान वो किम को भी देख रहा था, इसलिए उसने उसके साथ मिलकर इस मुसीबत को टालने का फैसला किया। इसके बाद जब उनका दिन फिर से शुरू हुआ तो वो दोनों एक दूसरे से मिले। उनके लिए एक्सीडेंट को रोकना नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि यून जुंग वहां तक पहुंचे ही ना। फिर जब दिन शुरू हुआ तो किम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यून जुंग से कहा कि वो मिलने की जगह को बदल रहा है। यून जुंग ये सब टीवी पर सुनकर फिर से गुस्सा हो गई और अपने पिता की बात नहीं मानी। इसके बाद किम ने उस टैक्सी वाली औरत मिक्यूम को फोन किया, क्योंकि वो मिंचुल से लड़ाई की वजह से उसका फोन नहीं उठा रही थी। किम ने उसे एक्सीडेंट के बारे में सावधान करने
की कोशिश की, लेकिन तब तक वो टैक्सी में बैठ चुकी थी और थोड़ी ही देर में आखिरकार एक्सीडेंट हो ही गया। जब दिन फिर से शुरू हुआ तो आदमियों ने अपनी तरकीब बदली। इस बार किम ने शुरुआत में ही जगह बदलने की बात नहीं की, उसने कहा कि वो यून जोंग से बेहद प्यार करता है और बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा कि जगह बदल लेते हैं, बढ़िया रहेगा। आखिरकार यून जोंग मान गई। उधर मिनचुल अपनी पत्नी को तो नहीं रोक सकता था, इसलिए उसने टैक्सी को रोकने का फैसला किया। उसने एक ईंट से अपना सर फोड़ा और पुलिस को उस टैक्सी का नंबर दे दिया ताकि वो उसे रोक ले। तब मिनचुल को याद आया कि उनकी बहस बच्चे को लेकर हुई थी। मिक्यूंग बच्चा चाहती थी, लेकिन मिनचुल इसके लिए तैयार नहीं था। बहस के बाद मिक्यूंग ने उससे कोई बात नहीं की। कुछ देर बाद पुलिस और किम एक्सीडेंट की जगह पहुंचे, लेकिन वहां कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। उन्हें लगा कि आखिरकार उन्होंने एक्सीडेंट होने से रोक लिया। फिर किम पार्क में अपनी बेटी से मिलने पहुंचा। उधर पुलिस को जब वो टैक्सी मिली तो ड्राइवर ने जबरदस्त स्पीड में गाड़ी भगा ली। मिनचुल को इसकी खबर मिली तो वो भी पार्क की तरफ भागा। किम पार्क में अपनी बेटी को ढूंढ रहा था तभी उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। ये वही टैक्सी वाला था। उसने कहा कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगह बदलने के बारे में सुन लिया था। अब वो यून जोंग को सड़क की जगह पार्क में मारेगा, जैसे उसे 3 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। ये सुनते ही किम बौखला कर अपनी बेटी को ढूंढने लगा और जैसे ही टैक्सी आई वो यून जोंग के सामने कूद गया और तभी दिन की शुरुआत फिर से हो गई। इस बार मिनचुल ने उसे फोन करके बताया कि वो टैक्सी ड्राइवर जानबूझकर यून जोंग और मिक्यूंग को मार रहा है और उसके लिए भी ठीक वैसे ही दिन फिर से शुरू होता है जैसे उनके लिए, और इसी वजह से वो उसे रोक नहीं पा रहे। किम को एहसास हुआ कि 3 साल पहले यून जोंग को दिल की बीमारी थी। उन्हें किसी और का दिल मिल भी गया था, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि उस बच्चे के माँ बाप ने दिल दान करने से साफ मना कर दिया है। वहीं मिनचुल एम्बुलेंस चला रहा था जब एक गाड़ी से उसकी टक्कर होते होते बची, लेकिन गाड़ी सड़क से उतरकर पलट गई। मिनचुल घायलों को उसी हॉस्पिटल में ले आया जहाँ यून जोंग दिल मिलने का इंतजार कर रही थी। अब मिनचुल ने पता लगाया कि उस गाड़ी में कैंगसिक नाम का एक आदमी था। कैंगसिक हर सुबह उठकर किम की खबर देखता और फिर अपना बदला लेने निकल पड़ता। आखिरकार किम कैंगसिक के घर पहुंचा, लेकिन घर एकदम खाली था। वहां उसे 3 साल पुराने हॉस्पिटल बिल्स और उसके बेटे हारो की तस्वीर मिली। आखिरकार उसे सब कुछ समझ आ गया। उसने मिनचुल को बताया कि उस रात मिनचुल ने उन्हें हॉस्पिटल लाने में देरी कर दी थी। हारो पहले ही ब्रेन डेड हो चुका था और कैंगसिक भी जख्मी होने की वजह से हारो का दिल दान करने की मंजूरी नहीं दे सका, इसलिए किम ने कैंगसिक के नकली साइन करके अपनी बेटी को बचा लिया था। अब वो कैंगसिक को बचाकर उससे माफी मांगना चाहता था ताकि वो किसी का खून ना करे, लेकिन मिनचुल तो उसे उसके लिए सजा देना चाहता था। यहीं से दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल गए। मिनचुल घर में सुराग ढूंढने लगा तो उसने एक डायरी में देखा कि मिक्यूंग प्रेग्नेंट थी और इसीलिए वो बच्चे की बात कर रही थी, और इस वक्त वो डॉक्टर के पास जांच के लिए गई थी। उधर के एक्सीडेंट होने के बाद कैंगसिक को हॉस्पिटल ले आया और उसे कुछ इंजेक्शन देकर जिंदा रखा। उसने माफी मांगते हुए कहा कि अगर उसकी जगह कोई और बाप भी होता तो अपनी बेटी को बचाने के लिए यही करता, लेकिन कैंगसिक ने कहा कि अगर किम उसकी जगह होता तो वो भी बदला जरूर लेता। वो अपने बेटे का बदला लेने के लिए यून जोंग को मारे बिना हार नहीं मानेगा। तभी वो अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा और मिनचुल ने किम को बताया कि उसकी पत्नी मिल गई है। इस बार दिन पहले से ज्यादा लंबा चल रहा था, इसलिए किम को एहसास हुआ कि जैसे ही कैंगसिक की मौत होती है उसी के साथ दिन रीसेट होता है। जब दोबारा दिन शुरू हुआ तो मिनचुल ने कैंगसिक को पहले ही मार डालने का फैसला किया। किम ये जानता था, इसलिए उसने कैंगसिक को सावधान करने की कोशिश की, लेकिन तब तक मिनचुल ने टैक्सी में कैंगसिक पर वार कर दिया था। उसने कहा भी कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, लेकिन कैंगसिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। कैंगसिक ने कहा कि उस रात मिनचुल पहले तो भाग गया था और फिर बाद में उन्हें बचाने आया था। अगर वो भागता नहीं तो आज शायद उसका बेटा हारो जिंदा होता। आखिरकार मिनचुल को गाड़ी से धक्का देकर वो यून जोंग को मारने निकल पड़ा। हालांकि किम एन वक्त पर पहुंचकर अपनी गाड़ी बीच में ले आया और यून जोंग को बचा लिया। फिर वो कैंगसिक को बाहर निकालने लगा। जब कैंगसिक ने पूछा कि वो उसे क्यों बचा रहा है तो किम ने कहा कि उसकी मौत से ये दिन फिर से शुरू हो जाता है, यानी ये समय का चक्कर हारू ने ही बनाया है जो अब भी यून जोंग के दिल के रूप में जिंदा है। हारू कैंगसिक को मरने से बचाना चाहता है और अगर यून जोंग मर गई तो हारू भी मर जाएगा। लेकिन तभी मिनचुल ने बहुत तेजी से गाड़ी लाकर टैक्सी से टकरा दी। उसके सर पर खून सवार था और वो चाकू लेकर कैंगसिक को मारने निकला तो किम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चाकू गलती से किम को लग गया और उसने मिनचुल को समझाया कि कैंगसिक को जिंदा रखना होगा क्योंकि बस यही एक तरीका है जिससे यून जोंग, मिक्यूंग और उसका बच्चा जिंदा
रह सके। उसी वक्त कैंगसिक की नजर यूनजोंग पर पड़ी तो उसे याद आया कि 3 साल पहले यूनजोंग ने उसके पास आकर कहा था कि हारू अब उसमें जिंदा है और उसके लिए कैंगसिक को भी ठीक होना होगा। आखिरकार उसे यूनजोंग में हारू दिखाई देने लगा और उसने यूनजोंग को गले लगा लिया। तभी गाड़ी में आग लग गई और उसने ढाल बनकर यूनजोंग की रक्षा की। इसी तरह उसकी मौत से दिन फिर से शुरू हो गया। ये उनका आखिरी मौका था क्योंकि अब उन तीनों को सही गलत का एहसास हो गया था। मिंचो डॉक्टर के ऑफिस के बाहर मिक्यूंग से मिला और उससे दिल से माफी मांगकर बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने होने वाले बच्चे का नाम हारू रखने का फैसला किया। वहीं कैंगसिक यूनजोंग से मिला और उसे हारू की तस्वीर दिखाई। यूनजोंग ने भी पूछा कि उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद था। इस पर कैंगसिक ने कहा चॉकलेट। यूनजोंग हंसने लगी क्योंकि पहले उसे चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन सर्जरी के बाद उसका सिर्फ चॉकलेट खाने का ही दिल करता है। उधर जब एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो किम ने सारी दुनिया के सामने 3 साल पहले किया अपना गुनाह कबूल कर लिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।